वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हरियाणा ब्लॉगर रीना। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज फिर मेरा व्रत है, आज मंडे है और अभी मंदिर से आई हूँ पूजा करके, फिर घर पे पूजा की और उसके बाद अब चाय पीने की तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने सोचा कि अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आज मंदिर में, आज मतलब मैं फोन लेके नहीं गई थी मंदिर में, बस मैंने आप सबको उस दिन दर्शन करा दिए थे। मैं कि हर रोज अच्छा नहीं लगता कि वहां पे जाके हम हर रोज वीडियो बनाएं, फिर ऐसे अच्छा सा भी नहीं लगता ना, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं देखो, और वो फिर हमें ऐसे देखते हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। वैसे उनकी कोई गलती है नहीं, देखो उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन फिर भी सब ऐसे देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता अगर हम कहीं वीडियो बना रहे हैं फोन में। इसलिए फिर मुझे मतलब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता ऐसे कि मैं बाहर जाके कहीं वीडियो बनाऊं। जहां एक बार तो मेरा मन बिल्कुल करता है बनाने का, जैसे मैं पहली बार मंदिर में गई तब भी मैंने वीडियो बनाई, मैं माड़ी पे गई तब भी बनाई, तब तो मैं एक बार बना लेती हूँ, देखते थे लोग तब भी हैं ऐसे देखते रहते, देखो अच्छा सा नहीं लगता। फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, हर रोज वीडियो नहीं बनाते वहां पे जाके, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं और चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर बाकी के काम करूंगी। और व्रत में ना स्टील के गिलास में या कटोरी में, इसमें ही चाय पीती हूँ मैं। और पिंकी अभी चाय लेके आ गई मेरे लिए बना के, और ये देखो स्टील के गिलास में है चाय, तो पी लो आप सब भी सफेद सफेद सी चाय। और मैं ना ऐसे खाली चाय नहीं पीती, फिर व्रत में देखो खाली चाय हमें पीनी भी नहीं चाहिए, नवरात्रे उनमें तो हम कुछ और भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं सोचती हूँ कि मैं बस काजू बादाम लेती हूँ देखो चाय के साथ। और बच्चों के लिए भिगोते हैं ना बादाम, तो फिर जिस दिन मेरा व्रत होता है पिंकी मेरे लिए भी उसी टाइम भिगो के रख देती है कि चाय के साथ, फिर ऐसे चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़े से काजू और बादाम ये खा के ना ये हो जाता है, फिर चाय कभी तक कुछ ना खाए। लेकिन फिर अगर मैं ऐसे ही काम करने लग जाऊं ना, अगर मैं चाय ना पीऊं तो मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो जाता है। पता नहीं क्यों व्रत में मुझे ऐसे ही होता है, मुझे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो जाता है अगर मैं ना थोड़ी सी भी चाय, अगर चाय ना लूं या फ्रूट ना लूं कुछ भी। इसलिए कभी मैं नवरात्रि में तो मैं ज्यादातर केले के साथ चाय पीती हूँ, और इसमें अगर कोई ऐसे व्रत हो तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और चाय ले लेती हूँ बस। तो चलो बातें तो ऐसी होती रहेगी, चाय पी लो, मैं भी पी लेती हूँ चाय और आप सब भी पी लो। तो एक बार फिर लो, तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। और अभी मशीन लगा के आई हूँ बस, अब जो बाकी कपड़े बचे हैं ना उनको लेने आई थी। और ये देखो बच्चों के तौलिए वगैरह भी, आज ये सोच रही कि इनको भी धो दूँ। और बच्चे के तौलिए तो मैं हफ्ते में एक बार धुली देती हूँ वैसे, और बड़ों के तो जल्दी धुलने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के इतने खराब नहीं होते ना, इसलिए कभी धुल गई हूँ कपड़े। देखो मशीन लगा के रखी हो आज कपड़े ना इतने सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा मशीन भी बड़ी पड़ी है। दिखाए ना मैंने कितने सारे कपड़े हैं, इसलिए मैं ना शुक्रवार और शनिवार इन दो दिन कपड़े धुलती हूँ, लेकिन मैं रविवार को कपड़े नहीं धुलती, इसलिए मैंने अब सोचा क्योंकि और अब ना मेरे व्रत भी है तो, और सोमवार को ना काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर आप ही सोचो देखो कितना टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब अगर मुझे नहीं कपड़े धुलने ना तो मैं शनिवार को नहीं धुलूंगी, मैं रविवार को कपड़े धुलूंगी और सोमवार को फिर थोड़े से कम कपड़े होंगे इसलिए। तो चलो अभी कपड़े धुलती हूँ मैं, और अभी ना बाकी का सारा काम अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और पिंकी लग रही है अभी कमरे कमरे साफ कर रही है, वो पिंकी अभी कमरे साफ कर रही है, फिर वो पोछे लगाएगी, मैं जब तक कपड़े धुल के सुखाऊंगी और फिर मैं रसोई साफ करूंगी। तो चलो थोड़ी सी देर बाद मिलते हैं। Thank you.
हेलो। और कपड़े धोने के बाद मैं उनको सुखा के आ गई और अब बेड़े में पानी डाल के वाइपर लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कपड़े धुलते हैं ना फिर पानी पानी से हो जाता है सारी जगह, इसलिए बाद में मैं इसमें पानी डाल के वो बचा हुआ जो कपड़े का होता है फिर यहाँ पे वाइपर लगा देती हूँ बस। और सूख भी जाता है, वैसे सूख तो देखो ऐसे भी जाता है गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं वाइपर लगा देती हूँ। और अब जो ये चुनियाँ वगैरह होती हैं ना उनको भी फैला रही हूँ। वैसे तो ये हल्की फुल्की है, देखो सूख भी जल्दी जाएगी, और कुछ मैं मशीन में सुखा देती हूँ इनको। और अब बाहर का सारा काम निपटाने के बाद मैं रसोई में आ गई और यहाँ पे बर्तन जो सूखे हुए थे उनको भी लगा रही हूँ रैंक में। और मैंने अपने बाल भी खुले हुए हैं क्योंकि मैंने सुबह में अपने बाल धुले थे ना, वो भी थोड़े से गिले थे, फिर मैंने कपड़े कुपड़े धुले बाहर, पसीना भी आ जाता है सिर में, इसलिए थोड़ी देर के लिए इनको खोल के रखूँगी। और बालों में ना देखो कैसे बैंड पड़ा हुआ है, कोई बता नहीं सकता कि इनकी स्मूथनिंग हुई है, लेकिन चलो उसका भी टाइम थोड़ा सा निकल जाता है। और अगर हम बाल को ऐसे बांध लेते हैं ना तो फिर उनमें वैसे ही बैंड पड़ जाता है। और अब कुछ आम थे उनको धुल के रख रही हूँ, और ये तीन या चार आलू हैं इनको भी छील रही हूँ। आज हम बनाएंगे राजमा, और राजमा हो या छोले हो मैंने उनमें दो तीन मतलब जितने भी मुझे आलू डालने होते हैं ना मैं आलू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आलू डाल के ना थोड़ी सी उनकी तरी बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। और अब राजमा अच्छी तरह मैंने धो लिया दो तीन बार, और अब उसको उबलने के लिए रख रही हूँ। और साथ में मैं बात भी कर रही हूँ, पिंकी आर्यन कोई भी होगा यहाँ पे, कोई तो होगा मेरे पास। और अब जितना पानी डालना है पानी डाल दिया, आलू डाल दिए उसमें, थोड़ी सी हल्दी नमक थोड़ा सा घी डाल के अब बंद कर दूँगी कुकर को, 4 या 5 सीटी आएगी बस। और आज राजमा बनाएंगे हम रोटी के साथ, आज हम चावल नहीं बनाएंगे। और कुछ आज मेरा व्रत भी है, मेरे व्रत में ना चावल वैसे तो बना लेते हैं लेकिन फिर भी कम ही बनाते हैं ये सब, मतलब पिंकी उसको पता है मुझे चावल बहुत पसंद है, इसलिए वो कहते हैं जिस दिन व्रत है कि ना चावल नहीं बनाते हम, रहने दो हम फिर कल बना लेंगे जब आपको मतलब जब आप भी खाओगे खाना। और अब राजमा मैंने रख दिया, और अब मैं तड़का काट लूँगी जब तक राजमा हमारा उबल जाएगा अच्छी तरह। और अब तड़का ना इस ग्रेटर में करना पड़ रहा है, वो बड़ा चॉपर है उसको मुझे निकालते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं उसे ठीक मैं इसमें ही कर लूँ, इसलिए मैं ग्रेटर में कर रही हूँ आज। और लहसुन और अदरक का तो पेस्ट बना हुआ है, बस मैंने इसमें प्याज कर लिया, हरी मिर्च और टमाटर भी कर लूँगी ऐसे ही। और चीज़ लेकिन देखो हर चीज़ का अपना अलग ही मज़ा है, जैसे वो वाला चॉपर था वो तो सच्ची में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसमें भी देखो हम अगर तड़का करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है ना इसमें से निकालने में, और उसमें कुछ भी नहीं, तड़का हमने करा 1 मिनट में कटोरी की जैसे है, वो खाली भी हो जाता है साथ के साथ। और अब तड़का वगैरह सब कुछ मैंने तैयार कर दिया, और बातें ऐसे ही चलती रहती है देखो बीच में। और अब मैं आटा बना रही हूँ साथ में, जब तक राजमा हमारा उबलेगा तब तक मैं ये सारे काम सेट कर दूँगी बाकी के बचे हुए, जैसे कि लस्सी बनानी हुई हमें, आटा बनाना हुआ, तड़का और जो एक्स्ट्रा के बर्तन हैं वो, ये सारे काम निपटा दूंगी बस, उसके बाद तड़का लगाना रह जाएगा बस। और अब सेल्फी साफ कर रही हूँ, और अब मैंने अपने बाल बांध लिए, क्योंकि रसोई में ज़्यादा देर तक अगर हम खुले रखते हैं ना बाल फिर भी हमें गर्मी आने लग जाती है, इसलिए मैं थोड़ी देर उनको मतलब कूलर के सामने बैठ के बाल को सुखा के उनका जूड़ा सा बना के आ गई। और अब राजमा उबल चुका है, अब मैं इसमें से आलू निकाल रही हूँ, उनको अच्छे से कड़छी के साथ ना मैश कर लूँगी, और बाद में फिर ये राजमा भी डाल लूँगी, और अब तड़का लगा लूँगी बस। वैसे मैंने आपको दिखा नहीं, मैं दूर से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं एक दो बार दिखा चुकी हूँ तड़का लगाते हुए, इस वजह से मैं कई बार सोचती हूँ कि चलो दूर से दिखा देती हूँ आपको पता तो चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तड़का लगा रही हूँ बस। और अब तेल डाल के सूखे मसाले डाल दूँगी, जैसे हींग जीरा धनिया ये सारी चीज़ें डाल के मसाला डाल दूँगी, और बस ऐसे ही होता है। और सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बन रही थी, सब खाने वाले बता रहे थे, मतलब मैंने तो खाया नहीं क्योंकि मेरा फास्ट था। और ये देखो अब तड़का बिल्कुल तैयार है हमारा, मतलब लग चुका है अब सब्ज़ी में, बस मैं 1 सीटी लगवाऊंगी इसमें, ये सब्जी तैयार है बिल्कुल। और अब
रसोई का काम ख़त्म करने के बाद मैं कमरे में आ गई। यहाँ पे कपड़े भी आ चुके हैं सूख के, आर्यन लेके आ गया था। अब मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। शैतान को देखो आप, बीच में ऐसे ही परेशान करता है। मुझे नहीं पता था एकदम आया निकल गया। मैं मतलब कब से पड़ा होगा ये, मैं आगे कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ बैठ के उसको। फिर जब मुझे दिखा मैं कह रही हूँ माटू निकल जाए यहाँ से बेटा। और बीच में किसी का फ़ोन भी आ गया, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। ऐसे ही प्रेस वाले कपड़े निकालती जा रही हूँ और बात भी कर रही हूँ उनसे। और ये वीडियो ना मंडे की है, किसी वजह से ये ट्यूसडे को जा नहीं पाई, इसलिए वेडनेसडे को आएगी। बस मैं हो गया था मतलब कुछ, इस वजह से ही आ नहीं पाई। मेरी थोड़ी सी ना तबीयत सी ख़राब हो गई थी उस दिन, एडिटिंग नहीं हो पाई ज़्यादा इसलिए। और अब ना मतलब बात करने के बाद मैं फ़ोन थोड़ा सा चेक कर रही हूँ। यही होता है, हम काम के बीच में से ही दूसरा काम भी ऐसे ही ढूंढ ही लेते हैं। मतलब जैसे मैं बात कर रही थी तो मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा सा फ़ोन भी चेक कर लूँ, वो भी कर रही हूँ कि काम तो ऐसे ही चलता रहेगा इसलिए। और मैं वही कर रही हूँ, उसके बाद बस कपड़े फोल्ड कर दूँगी, फिर बाद में जाके फुल के बना लेंगे। मैं बना दूँगी, पिंकी सबको दे देगी बस। और ये रही प्लेट, खाना अब हमारा बन चुका है। ये प्लेट आप सबके लिए है, आलू और राजमा की सब्ज़ी और दही और गुलाब जामुन और फुल के। कितनी सुंदर दिख रही है ना। आज मैं लस्सी नहीं लेके आई, आज मैंने दही ली सिंपल वाली, मतलब प्लेट के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरे तो फास्ट है आज। तो ये रही सिंपल सी प्लेट आप सब के लिए, तो आ जाओ और खा लो आप सब। हेलो, तो आज के तो देखो सारा दिन ऐसे ही निकल गया। और व्रत में ना थोड़ी सी थकावट सी हो जाती है, कई लोगों को होती है ये परेशानी भी, मुझे ही नहीं अकेली, और भी काफी सारे लोगों को होती है ये परेशानी। सारा काम हमने अभी निपटा लिया, खाना पीना भी हो गया, बर्तन वगैरह साफ हो गए। सुबह में मैंने चाय पी ली थी और दोपहर में तो हल्का फुल्का, तो देखो जैसे लस्सी हुई, कोई फ्रूट हुआ, मतलब हमने कुछ अगर खाना पीना, कोई चाय भी पीते हैं कई बार दोपहर में भी जिनको आदत है, लेकिन मैं लस्सी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें खाती हूँ या मैं कोई फ्रूट खा लूँगी। और खाना शाम को मैं 7 बजे खाऊँगी, क्योंकि इतनी कई लोग खाना भी मतलब 4-5 बजे के आसपास खा लेते हैं कई लोग इस व्रत में खाना, लेकिन मैं तो हमेशा मैं लेट ही खाती हूँ, 7-7:30 ये टाइम पर मैं खाना खाती हूँ। तो और तो बाकी हमारा सारा काम हो गया, मतलब लस्सी वगैरह देखूंगी मुझे क्या पीना है। अभी मैं लस्सी पीऊँगी या फ्रूट खाऊँगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।